नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का ये सिक्स सेशन करेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम फ्रेज, 10 सिनोनियम और 10 एंटोनियम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो जो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इनसेशिएबल, ठीक है। इनक्रेडिबल, जिसको बिलीव करना ईजी नहीं है। इम्प्रोबेबल, जिसका होना बहुत, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है। इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, तो जो खाया जा सकता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एडेबल। तो और अनपैलेटेबल इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो अनफिट है खाने के लिए उसके उसके लिए यूज किया जाता है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल सिर्फ खाने के लिए नहीं, किसी पार्टी में अगर आप अजीब से कपड़े पहन के आए तो आप उस पार्टी के लिए अनफिट हो जाएंगे, उस पार्टी के लिए अनपैलेटेबल हो जाएंगे, ठीक है। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, तो ऐसे बंदे के लिए वर्ड यूज किया जाता है समैरिटन, ठीक है। समैरिटन ऐसे लोग होते हैं जो नीड में चैरिटी वगैरह करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटर, ये तो वर्ड यूज किया जाता है कोलैब करते हैं, जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो कोलैबोरेटर हो जाते हैं। वेटरन, अपनी फील्ड में बहुत हाई स्किल्ड बंदा होता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट में वेटरन थे, विराट कोहली वेटरन है, ठीक है। मर्सिनरी, वो सोल्जर्स होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए किसी भी ग्रुप के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अगला है सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, तो जब इन्वेंशन की बात आती है तो जो वर्ड यूज किया जाता है वो पेटेंट किया जाता है। अगर कोई आर्ट के से रिलेटेड होता है, पेंटिंग या राइटिंग, तो कॉपीराइट का यूज किया जाता है वर्ड का। अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, तो फिक्टिशियस ऐसा नाम होता है जो मतलब असली में उसका नाम नहीं है लेकिन वो ऑथर यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए नाम वर्ड यूज किया जाता है सुडोनियम। अच्छा, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो कैरी मिनाटी है उसका असली नाम अजय नगर है लेकिन वो सुडोनियम यूज क्या करते हैं, कैरी मिनाटी, ठीक है। एनोनिमस हम तब यूज करते हैं जब कोई भी ऑथर जो है वो अपना नाम नहीं बताता है, तो वो एनोनिमस हो जाता है, ठीक है। एलिबाय होता है, जैसे कोई अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें अगर आप पे शक किया जा रहा है तो आपने ये बता दिया कि मैं उस क्राइम सीन पे था ही नहीं, मैं कहीं और था, तो वो आपका एलिबाय हो जाएगा और आप उस क्रिमिनल केस से बच जाएंगे, ठीक है। होमोनियम होता है, होमो मीन सेम, तो होमोनियम होता है सेम नेम, दो लोगों के सेम नेम है तो होमोनियम कहा जाएगा उन्हें। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, तो गन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट जहां पे स्टोर किए जाते हैं उसको कहते हैं आर्सेनल, ठीक है। एपियरी, जहां बीज मधुमक्खी स्टोर की जाती है, एवियरी बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। और आर्काइव होता है जहां पुराने खजाने होते हैं, ठीक है। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, तो लवर ऑफ बुक्स को कहते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है। पेडोफाइल, ये एक डेरोगेटरी टर्म है, ये यूज की जाती है उन क्रिमिनल्स के लिए जो बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में पाए जाते हैं, ठीक है। हेमोफाइल, ये होमोसेक्सुअल लोगों के लिए एक और टर्म है, ठीक है। जीनोफाइल होता है ऐसे लोग जिनको फॉरन लोग पसंद है, ठीक है। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑर्चर्ड, या फ्रूट और ट्रीज ग्रो होते हैं उसे ऑर्चर्ड कहा जाता है। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो इसमें एक कॉमन आ रहा है स्पेक्शन, देखिए सबके पीछे स्पेक्शन लिखा हुआ है, तो स्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग, देखना, ठीक है। इंस्पेक्शन होता है किसी चीज को डिटेल में देखना, इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने अंदर झांक के देखना, ठीक है। रेट्रोस्पेक्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक्ट ऑफ लुकिंग बैक, जब हम पुरानी यादों को ताजा करते हैं, पुराने बातों को याद करते हैं, ठीक है। सर्कमस्पेक्शन होता है जब हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, तो जो समझ नहीं आया उसको इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहते हैं। इनफॉलिबल, वो होते हैं जो फेल नहीं होते हैं। इनएक्सप्लिकेबल होते हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इलेजिबल होता है जिसको रीड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहां से हमारे सिनोनियम स्टार्ट होते हैं, तो थ्रिफ्टी वर्ड का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा खर्चों को कम करता है, तो फ्रूगल इसका सिनोनियम हो जाएगा। फ्रूगल का मतलब भी होता है जो बहुत अच्छा मैनेजर है, ठीक है। स्टर्न वर्ड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। श्रूड मतलब चालाक होता है। मेलो का मतलब होता है इजी गोइंग, तो मेलो जो है एक तरीके से इसका एंटोनियम माना जा सकता है, ठीक है। टेम्परेट वर्ड का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसका मतलब होता है ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, तो मॉडरेट इसका सही सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। डिफाइंस जो वर्ड है वो सिमिलर वर्ड है डिफेंस के, तो जब कोई दुश्मन आ जाता है उसको हम रोक के रखते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिफाइंस, तो इससे सिमिलर वर्ड हो जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी हम रुकावट बनाते हैं किसी के लिए, ठीक है। डेफरेंस जो वर्ड है
वो होता है रिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रीटेंस होता है जब हम किसी को पहले से ही मान लेते हैं कि ये तो बंदा ऐसा ही है, ठीक है। रेप्रीमेंड होता है जब ऑफिशियली किसी को उसकी गलती बताई जाती है, उसमें फटकार लगाई जाती है, उसको डांटा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सिनोनिम हो जाएगा रिप्रोच। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड, ठीक है। डिटरमाइंड आप किसी भी काम करने के लिए श्योर है बिल्कुल। इंट्रीपिड का मतलब होता है विदाउट एनी फियर। तो आपने देखा होगा गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं ब्रेवरी के लिए, तो गैलेंट जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। पिटफॉल का मतलब गड्ढा होता है, गड्ढे का ये वर्ड यूज किया जाता है किसी भी दिक्कत के लिए, ठीक है। तो यहां पे सिनोनिम इसका हो जाएगा हैजार्ड। हेवन वर्ड का यूज किया जाता है ऐसी प्लेस के लिए जहां पे एनिमल्स या ह्यूमंस सेफ रहते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एनिमल्स के लिए एक हेवन है, ठीक है। रिफ्यूजी आपको पता ही होता है, और रिट्रीट होता है मूव बैकवर्ड्स। वाइटल ये इजी वर्ड है, इसका मतलब होता है एसेंशियल या इंपॉर्टेंट। डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड करना। अ पेनी फॉर योर थॉट, तो इससे सिमिलर एक और इडियम है कहा जाता है फूड फॉर थॉट। तो ये एक वर्ड, ये इडियम यूज किया जाता है उसके लिए जब हम कहते हैं आई वॉज थिंकिंग, तो आई वॉज थिंकिंग को रिप्लेस किया जाता है अ पेनी फॉर योर थॉट के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अ वे ऑफ सेइंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। ऑल इन अ डेज वर्क तब यूज किया जाता है इडियम जब हमको किसी का काम देख के ये लगता है कि अरे ये काम कैसे करते होंगे, लेकिन उनके लिए ये रोज की बात है, ठीक है। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा समथिंग अनयूजुअल और डिफिकल्ट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ समवन्स नॉर्मल रूटीन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि जब कोई चीज हमको स्टार्टिंग में लगे कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, लेकिन बाद में उसी से काफी फायदा हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ऑप्शन हो जाएगा एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक मैच में रोहित शर्मा ने विराट कोहली को आउट करा दिया, रन आउट करा दिया, जब वो काफी अच्छे फॉर्म में थे विराट कोहली। लेकिन उसी मैच में रोहित शर्मा ने क्या किया, हाईएस्ट स्कोर बना दिया 264 का। तो विराट कोहली का आउट होना क्या हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया रोहित शर्मा के लिए और इंडिया के लिए भी। अब पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड्स, तो ये काफी फेमस इडियम है। इसका मतलब होता है जो पिक्चर बता सकती है वो कभी भी हम डिस्क्राइब करके नहीं बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, चौथा वाला। एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टू बिट डिफाइंस का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना। तो इसका सही ऑप्शन में से हमारा आंसर हो जाएगा टू डिसरिगार्ड रेकलेसली, किसी चीज को डिसरिगार्ड कर देना। अ फूल्स पैराडाइज होता है जब हम आने वाली ट्रबल से अनजान होते हैं, हमें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, और अभी जो हो रहा है उसमें मजे से बैठे हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं आगे होने वाला क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। गेट ऑन समबडीज नर्व, इसका मतलब होता है टू बी एन इरिटेंट। आईब्रो रेजिंग का मतलब होता है, आईब्रो हम कब रेज करते हैं, जब हमें कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग चीज दिखती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समथिंग विच सरप्राइजेस शॉक्स और ऑफेंड्स पीपल। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, तो इसका मतलब होता है जब किसी के जाने से हमें खुशी मिलती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। विद बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है जब कोई बंदा बहुत तेज से सांसें ले रहा है। सांसें कब तेज लेता है, जब वो एंजाइटी होती है, उसे नर्वसनेस होती है। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनियम हो जाएंगे ये ड्वार्फ, स्मॉल और ये मियागर, ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। हमें चाहिए एंटोनियम, तो एंटोनियम होगा जाइगेंटिक, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही क्विज देनी है तो आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और ऐसे ही क्विज दे सकते हैं, ऐसे ही एनिमेशन आपको मिल जाएगी, पीपीटी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वहां से और क्विज अपने आप दे सकते हैं, आगे के लिए भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं। परपेट्रेटर का मतलब होता है किसी काम को कर देना, एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, कमिट करना, ये सब क्या है इसके सिनोनियम है। इसका अपोजिट हो जाएगा प्रिवेंट। एग्जॉटिक ऐसी चीज होती है जो हमने बहुत कम देखी और बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है, बहुत ही अच्छी लग रही है वो, तो जो हमने चीज नहीं देखी वो हमारे लिए एग्जॉटिक हो जाएगी। तो एलियन, कलरफुल, क्यूरियस, ये हमारे क्या है एग्जॉटिक के सिनोनियम हो जाएंगे। इसका अपोजिट हो जाएगा ऑर्डिनरी। सेकेंड वर्ड हम यूज करते हैं जब कोई बंदा एक ही वन वर्ड आंसर देता है, ठीक है। तो जैसे कि किसी ने पूछा आप कैसे हैं, तो आपने कह दिया ठीक, बोलता है आप कहां रहते हैं कि आगरा, तो आपने खाली क्या कर रहे हो, ये वन वर्ड आंसर दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब आप ऐसे वन वर्ड आंसर देते हो तो ये फ्रेंडली नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये कर्ट और टेरसे जो है ये इसके सिमिलर वर्ड है,
इसका अपोजिट हो जाएगा लेंदी। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है हायर देन एक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज्यादा, ठीक है। तो ये एग्जॉर्बिटेंट जो है ये इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। हमको चाहिए एंटोनियम, हमको इसका एंटोनियम बताना है, तो वो हो जाएगा रीजनेबल। जो रीजनेबल होगा वो क्या है, आपके एक्सपेक्टेशन के अंदर ही होगा। जेपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डाल देना, तो हैजार्ड, थ्रेटन, ये क्या होंगे, इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। हमको चाहिए एंटोनियम, तो वो हो जाएगा प्रोटेक्ट। कोरोबरेट होता है किसी चीज को वेरीफाई करना। किसी चीज को वेरीफाई हम तब करते हैं जब कोई स्टेटमेंट से रिलेटेड उसके सपोर्ट में हम कोई आंसर देते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट होता है उसके अपोजिट बात करना। मोरोज होता है सैड फीलिंग होती है, ठीक है। तो मोनफुल और सलन, ये क्या है, इसके सिमिलर हो जाएंगे। चीयरफुल जो है ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। ब्लेम भी वही होता है। विलीफाई होता है किसी को बुरा भला कहना, ठीक है, गाली देना। अप्लॉड इसका एंटोनियम हो जाएगा। ओपेक ऐसी ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्लियर। तो हमारे अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का ये सेशन यही खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इसकी पूरी सीरीज देख सकते हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप इसकी क्विज दे सकते हैं। आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए इस सीरीज को और आगे देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और कोई चीज दिक्कत दे रही है आपको, आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।